वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल उमेश गुरु शॉर्ट में। आज के इस वीडियो के जरिए मैं आपको बात करूंगा कि आप अपने फेसबुक स्टोरी में, अपने पेज की स्टोरी में जो है आप लिंक को कैसे ऐड कर सकते हैं। जब आपका स्टोरी प्ले होता है स्टोरी में, तो आप जो है उस स्टोरी के माध्यम से अपने ट्रैफिक को जो है कहीं भी भेज सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास ब्लॉग है या फिर यूट्यूब चैनल है या फिर कोई ग्रुप है, कुछ भी है, तो आप जो है अपने उस पेज के माध्यम से वहाँ पर सभी ट्रैफिक को भेज सकते हैं। देखिए कि सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ कि स्वैप अप पोस्ट कैसे दिखता है। देखिए कि यहाँ पे ये स्वैप अप पोस्ट का एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे निकाल रखा है। तो देखिए फ्रेंड, जब आप फोन को यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको स्वैप अप जैसा एक बटन दिखता है, यहाँ पे जो ये बटन दिख रहा है। जब आप अपने अंगूठे से इसे ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे तो आप किसी दूसरे वेबसाइट में चले जाएंगे, दूसरे वेबसाइट में पहुँच जाएंगे। तो अगर आपके पास फेसबुक पेज है और उस पर 10K फॉलोवर्स कम्प्लीट हो गए हैं, तो उस फॉलोवर्स को आप कहीं भी भेज सकते हैं इस स्वैप अप पोस्ट के माध्यम से। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि स्वैप अप पोस्ट कैसे लगाया जाता है, कैसे उस पर लिंक ऐड करी जाती है, कहां से आप लिंक ऐड कर सकते हैं अपने पीसी के माध्यम से, हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो वीडियो को एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। इसे आप मोबाइल फ़ोन में भी यूज कर सकते हैं, बस आपको मोबाइल फ़ोन में अपने क्रोम ब्राउजर को डेस्कटॉप मोड पर अपने अकाउंट को लॉगिन करना होगा, उसके बाद वहाँ पर भी आप कर सकते हैं। देखें कि मैं यहाँ पे एक पेज को यहाँ पे ओपन करके रखा हूँ। यहाँ पे देखें कि इस पर फॉलोवर्स कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे देखें 12K फॉलोवर्स कंप्लीट है। मैं इसी पेज पर आपको दिखाऊंगा कि स्वैप अप पोस्ट को कैसे लगाया जाता है, और ये जो है मोबाइल फ़ोन पे वर्क करेगा। और यहाँ पे देखें कि मैं एक ग्रुप को यहाँ पर पहले कॉपी कर लेता हूँ, मैं उसी ग्रुप को यहाँ पर इस स्वैप अप पोस्ट में लगाने वाला हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आप किसी भी लिंक को लगा सकते हैं, चाहे वो वेबसाइट का लिंक हो, यूट्यूब चैनल का लिंक हो, कोई भी लिंक हो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। देखिए मैं एक ग्रुप को यहाँ से मैं लिंक को कॉपी करूँगा, जैसे कि ये ग्रुप है, इसके लिंक को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसी इस लिंक को लगाऊँगा अपने स्वैप अप पोस्ट में। देखिए मैंने कॉपी कर लिया है, फिर से मैं पहुँच जाऊँगा अपने इस पेज में। देखिए यहाँ पर स्वैप अप पोस्ट को लगाने के लिए यहाँ पर आपको एक नीचे में मेटा बिजनेस सूट दिख जाएगा, तो सिंपली आपको इसी पे क्लिक करके इस मेटा बिजनेस सूट में विजिट कर जाना है। देखिए मैंने जैसे ही क्लिक किया, मेटा बिजनेस सूट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्रिएट पोस्ट दिया हुआ है, यहाँ पे क्रिएट एड दिया हुआ है, यहाँ पे मोर बटन दिया हुआ है। तो देखिए जैसे ही यहाँ पे मोर बटन पे आप क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ से आप रील्स को क्रिएट कर सकते हैं, स्टोरी को क्रिएट कर सकते हैं, लाइव जा सकते हैं, वीडियो को पोस्ट कर सकते हैं, बल्क वीडियो पोस्ट कर सकते हैं। ये हमारा जो है न्यू पेज एक्सपीरियंस के लिए मैंने इस वीडियो में बता रहा हूँ कि न्यू पेज एक्सपीरियंस में कैसे आप स्वैप अप पोस्ट को लगा सकते हैं। अगर आपके पास क्लासिक पेज है तो क्लासिक पेज के लिए मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा। तो देखिए मोर बटन पर क्लिक करना है, क्रिएट स्टोरी बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्रिएट स्टोरी बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए अब आपको कोई भी इमेज यहाँ पर लगाना होगा, और उसके बाद जो है यहाँ पर मैं बताऊँगा कि आगे क्या करना। एड मीडिया बटन पर क्लिक करेंगे, जहाँ पे भी आपका इमेज रखा हुआ है वहाँ से आप इमेज को डाउनलोड कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे एक इमेज को यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए कि ढेर सारा इमेज मैं यहाँ पे ऑलरेडी रखा हुआ है, तो मैं किसी एक जो है गॉड का इमेज को लूँगा, या फिर इसी ग्रुप से रिलेटेड किसी एक का लिंक यहाँ पर एक इमेज को मैं यहाँ पर लगा दूँगा। तो यहाँ पर हम उसे ढूँढ लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस इमेज को सिलेक्ट कर लिया है, ओपन बटन पर क्लिक करेंगे, अब ये इमेज जो है अपलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही अपलोड होता है मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पे देखें कि अब यहाँ पे आप इस इमेज को क्रॉप भी कर सकते हैं, इमेज के ऊपर में टेक्स्ट भी लगा सकते हैं और स्टिकर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखें कि ये स्टोरी अब कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो यहाँ पे हम स्टिकर लगाएंगे, कोई स्टिकर लगाएंगे, और यहाँ पर हम उसे इंडिकेट करेंगे कि आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। अगर यहाँ पर एक स्टिकर मिल जाता है तो हम उसे यहाँ पर लगा देंगे। देखें यहाँ पर स्टिकर यहाँ पर ऐसा कोई भी देखने को नहीं मिला है, तो कोई भी एक स्टिकर को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। यहाँ पे देखें मैं यहाँ पे इस स्टिकर को यहाँ पे चिपका देता हूँ, और यहाँ पे इससे मैं यहाँ पे रखूँगा, और यहाँ पे टेक्स्ट भी लिख देता हूँ कि ताकि लोगों को लगे कि यहाँ पे हमें जो है स्वैप अप करना है। ऐड टेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, देखें यहाँ पर ऐड टेक्स्ट आ गया है, और यहाँ पर हम यहाँ पर टाइप करेंगे, यहाँ पर जो है डबल क्लिक करना होगा आपको। यहाँ पर देखें कि टेक्स्ट आ रहा है, तो हम यहाँ पर स्वैप अप लिख देते हैं। देखें मैंने यहाँ पे स्वैप अप लिख दिया है, अब इसे जो है मैं इसके साइज़ को बड़ा कर लेता हूँ, और यहाँ पे इसे हम फिट कर देंगे। देखें कि थोड़ा छोटा करना होगा। यहाँ पे देखें फ्रेंड्स, मैंने इसे फिट कर दिया है, और इसे मैं यहाँ पे मेरा काम ख़त्म हो गया है। मैंने यहाँ पे इसे फिट कर दिया है, और यहाँ पे देखें कि नीचे में, सबसे नीचे में आपको यहाँ पे स्वैप अप लिंक यहाँ पे देखने को मिल जाएगा।
तो मैंने वहाँ पे ग्रुप का लिंक को जो कॉपी किया था, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे स्वाइप अप पे और यहाँ पे पहले इसे सेव चेंजेस करना होगा। सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैंने जो भी यहाँ पे लगाया है, टेक्स्ट लगाया है और यहाँ पे इमोजी भी लगाया है, तो ये सब सेव करेगा। उसके बाद यहाँ पे स्वाइप अप लिंक कैसे लगाना है मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए अपलोड हो रहा है, तो थोड़ी समय लग सकता है अपलोड होने में, इसे हम अपलोड होने देते हैं। A few moments later. तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये अपलोड हो गया है, कम्प्लीटली अपलोड हो गया है। अब मैंने यहाँ पे जो इस इमेज को एडिट किया था यहाँ पे ये भी शो कर रहा है। और यहाँ पे देखिए सबसे नीचे यहाँ पे आपको स्वाइप अप लिंक यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे वेब लिंक आपको यहाँ पे डालना है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि ये इंस्टाग्राम पे भी काम करता है। अगर इस पेज को आपने इंस्टाग्राम से कनेक्ट कर रखा है तो ये पोस्ट ऑटोमेटिक इंस्टाग्राम में भी शेयर हो जाएगा, वहाँ पे भी जो है आपके 10,000 जो है फॉलोवर्स होने चाहिए और फेसबुक पे भी 10,000 आपके फॉलोवर्स होने चाहिए। यहाँ पे इन्होंने क्लियर कर दिया है, यू नीड एटलीस्ट 10,000 फॉलोवर्स ऑन इंस्टाग्राम टू यूज द स्वाइप अप फीचर ऑन देयर। तो यहाँ पे वेब लिंक को हम डालेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने ग्रुप का लिंक को कॉपी किया है, तो यहाँ पे इस लिंक को हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। देखिए मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, अब इसका प्रीव्यू यहाँ पे एक बार दिखाएगा। और देखिए फ्रेंड्स मैं आपको ये बता दूँ कि जब आप स्वाइप अप पोस्ट लगाते हैं तो आपका जो है 24 आवर्स के लिए वैलिड रहेगा, उसके बाद फिर से आपको एक स्वाइप अप स्टोरी लगाना होगा 24 आवर्स के बाद। देखिए मैंने यहाँ पे लिंक लगा दिया, अब यहाँ पे सी मोर बटन पे जैसे ही कोई मोबाइल फ़ोन के माध्यम से क्लिक करेगा तो डायरेक्ट वो पहुँच जाएगा मेरे इस फेसबुक ग्रुप में। और क्या होगा कि इस ग्रुप में पहुँचेगा तो मेम्बर्स भी इंक्रीज होंगे इस पोस्ट के माध्यम से। तो यहाँ पे शेयर स्टोरी बटन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो है शेयर हो जाएगा। और एक बार हम चेक करेंगे कि ये पीसी में वर्क करता है या नहीं करता है। देखिए कि यहाँ पे अब हमें दिखाएगा कि शेयर हो गया है और अभी ये एक्टिव है, तो ये 24 आवर्स के लिए एक्टिव रहता है। और यहाँ पे हम एक बार रिफ्रेश करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे स्टोरी हमारा काम करता है या नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये लग गया है स्टोरी, यहाँ पे क्लिक करेंगे हम, यहाँ पे जो है पीसी में यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए व्यू स्टोरी दिख रहा है, तो हम व्यू स्टोरी बटन पर क्लिक करते हैं एक बार। देखिए ये स्टोरी लग गया है, अब यहाँ पे सी मोर बटन पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए डायरेक्ट ये हमारा ग्रुप में विजिट कर जाएगा। देखिए कि मैंने क्लिक किया, देखिए इसी ग्रुप का लिंक को मैंने यहाँ पे कॉपी किया था और यहाँ पे इस स्वाइप अप पोस्ट पे मैंने लगाया था। मैं एक बार फिर से क्लिक करके दिखाता हूँ। मोबाइल फ़ोन में क्या होता है कि स्क्रॉल करके ऊपर जब जाएगा आपके इस पोस्ट को, इस स्टोरी को, तब जाके आपका ये काम करेगा। देखिए मैं एक बार फिर से यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सी मोर बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे फिर से एक ग्रुप ओपन हो गया है। सेम ग्रुप ओपन होगा, जितनी बार क्लिक होगा, जितनी बार स्वाइप अप करी जाएगी उतनी बार जो है ये ग्रुप ओपन हो जाएगा। तो बंदे सब जो यहाँ पे पहुँचेंगे तो हो सकता है कि इस ग्रुप में वो ज्वाइन हो, और इस तरह से आप अपने मेंबर्स को इंक्रीज कर सकते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा है, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी करें, और कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं, और मेरे फेसबुक पेज में भी ज्वाइन करके वहां से भी आप कोई सवाल पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, मिलते हैं पावरफुल एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।